अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो आप देख रहे हैं बेसिकली ये हमारा दावत व्लॉग है। हमारे कुछ फ्रेंड्स पाकिस्तान से आए हुए थे तो ये मैं उनके लिए डिनर प्रेप कर रही हूँ। और जो फर्स्ट चीज़ मैंने शुरू की है वो है तंदूरी चिकन, एयर फ्रायर में हम इसको बनाएंगे। मैंने विद स्किन चिकन ली है, आप इसको विदाउट स्किन भी ले सकते हैं, लेकिन विद स्किन आई थिंक ज़्यादा जूसी बनेगा। तो मैंने चिकन ली है, उसके ऊपर मैंने डाला है सोया सॉस, सरका, तंदूरी मसाला, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर मैंने डाली है, सॉल्ट डाला है और गार्लिक पाउडर डाला है काफ़ी सारा, कि उसकी जो है ना वो अच्छा उसका एक टेस्ट आना चाहिए उसका और सोया सॉस का। और तंदूरी मसाला जो है आई थिंक शान या नेशनल का है, उसको काफ़ी अच्छा रेडिश कलर जो है वो आ जाता है। एनी हाउ, उसमें मैंने पानी डाला है अंदाजे से, जितने में मुझे लगे कि चिकन जो है वो फुली कुक्ड हो गया है 100% और सही सॉफ्ट टेंडर हो गया। पानी सूख गया और कुछ इस तरह की चिकन की जो है वो शक्ल निकल आएगी। इसके बाद मैं इसको एयर फ्रायर के अंदर रख दूंगी और उसके ऊपर हल्का सा अपने ऑयल स्प्रे कर लें या ड्रिजल कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। और फिर हम इस पर डालेंगे सेसमी सीड्स और इसको मैं एयर फ्रायर में रख दूंगी 370 के ऊपर, मेरा फ़ारेनहाइट के अंदर है 370 फ़ारेनहाइट के ऊपर, अबाउट 8 to 10 मिनट्स, आप उसे निकाल के देख लें। और उसके बाद चिकन की कुछ इस तरह की शक्ल जो है वह निकल आएगी। अब बहुत यमी बना था ये। चिकन रेडी हो गया और ये जो मेरी सेकंड रेसिपी है ये क्रिस्पी चिकन सैंडविचेस हैं बेसिकली मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है जो मैंने फिलेज में काट लिया है, उसके ऊपर मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर, सोया सॉस, सरका, लाल मिर्च, नमक, और इसको मैंने मैरिनेट होने रख दिया था घंटा दो, जितना मेरे पास टाइम है। और उसके बाद मैदा और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है और इसी में लाल मिर्च और नमक, नमक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैटर जो ऊपर आप से सॉरी कोटिंग करें, वरना आपकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल ब्लैंड लगेगी। तो मेक श्योर कि जो आप उसके ऊपर कोट कर रहे हैं मैदा और कॉर्नफ्लोर वो भी सीजनड हो। तो मैंने एक कोट उसमें कर लिया है और ये जो बेसिकली पानी नज़र आ रहा है ना, ये चिकन की मैरिनेशन बची थी वही मिर्च मसाला सोया सॉस, मैंने उसी में पानी डाल दिया है। फिर सेकंड कोट लिया, मैंने चिकन को इस पानी में डिप किया है एंड देन अगेन इनटू द ड्राई मिक्सचर, और अच्छे से आपने कोट कर लेना। और देखिए कितनी अच्छी क्रम्ब जो फॉर्मेशन इसके ऊपर हो गई है। और उसके बाद मैं इसको पैन के अंदर फ्राई कर लूँगी। मैं डीप फ्राई तो नहीं करी, शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा है, डीप फ्राई से थोड़ा सा कम है। एनी हाउ, इसको अच्छे से फ्राई कर लें और ये इसके ऊपर देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी कोटिंग जो है वो बन गई थी। आप इसको ऐसे सर्व करना चाहें कर लें, बट मैं इसको ब्रेड के अंदर लगा रही हूँ ताकि मेरे अच्छे से सैंडविचेस बन जाएं। और ये आर्टिजन रोल आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, वो ब्रेड थी। और उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मस्टर्ड, मेयो, केचप, और साथ में लगाऊंगी इसमें एक चीज़ स्लाइस अमेरिकन चीज़ है और पिकल्स एंड अनियंस। और इसके लिए स्वीट रेलिश भी बहुत अच्छी लगती है, इफ़ यू डोंट वांट टू ऐड पिकल्स आप इसमें स्वीट रेलिश जो है ऐड कर दें, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और फिर जो मेरे पास फ्राइड चिकन फिले है उसको मैं इसके अंदर रख दूंगी और फिर बस। और ब्रेड जो मैंने ली है ना, इसको मैंने पहले टोस्ट कर लिया था अलग से पैन के अंदर दोनों साइड से, तो अच्छी एक क्रिस्प जो है उसके अंदर आ गई थी। ये ब्रेड ले लें वरना जो बर्गर बंस के अंदर भी बहुत अच्छा ये फिले रहेगा। तो इसको मैंने बस ऐड कर दिया था और ये बहुत अच्छे सैंडविचेस जो है वो बन गए थे। अच्छा जी, जो तीसरी रेसिपी है वो है ब्लैक पेपर मटन। बहुत ही आसान है, आपने इसमें सब कुछ डालना है फिर आपने इसे भूल जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है गोट मीट है, मटन आप लैम गोट जो भी आपको प्रेफरेबल है वो आप ले लें। उसमें मैंने डाला है प्याज, टमाटर डाले हैं हाफ करके, उसके बाद मैंने सॉल्ट डाला है, ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से लाइक जितना आपको सूटेबल लगता है आप वो डालें हसब ज़ायका। बाद में मैंने साथ सिनेमन स्टिक्स डाली हैं। आसान है कि अगर आप साबुत गर्म मसाला डाल लें उसके अंदर लौंग, ये के कितने हैं सिनेमन स्टिक्स और जो साबुत काली मिर्च होती है ना वो सब आ जाएगा। खैर उसके बाद मैंने ऑयल डाला है और इसी में मैं योगर्ट डाल रही हूँ और इसको फिर मैं अच्छे से जो है ना मिक्स कर लूँगी। और साथ ऑब्वियसली ब्लैक पेपर मटन है तो काली मिर्च तो आप डालेंगे, आपके पास हरी मिर्चें हैं तो 3-4 हरी मिर्चें जो है इसी पॉइंट पर डाल दें, लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी। मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो ऑब्वियसली अब मैंने दही वैसे ही डाली, आप फेंट के डाल लें तो ज़्यादा सही है। और उसके बाद आपने इसे पकने रख देना है। तो 5-7 मिनट बाद ना जितने हमने टमेटोज डाले थे उनका छिलका जो है वो नरम हो गया होगा, तो मैंने जो टोंग्स लेकर और सिर्फ ऊपर ऊपर से उनका सारे पील जो है वो अलग कर ली थी और फिर से पकने दिया था। इतना पानी डाला था कि मीट अच्छे से जो है ना वो गल जाए,
अब मेरा पानी जो है ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला था, मैंने इसमें बटर डाला है थोड़ा सा और इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बीच में मैंने कोई चम्मच नहीं हिलाया, बस ढक्कन देके पकने दिया। हाँ, ये देख रही थी कि ऑब्वियसली कितना पानी जो है रह गया है, और जब सारा खुश्क हो जाएगा तो हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए जी, मटन रेडी हो गया है, बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हुए इसके ऊपर जिंजर और हरी मिर्च, धनिया जो भी है वो आप डाल लें और इसको अच्छे से सर्व करते हैं। अच्छा जी, साथ ही मैं बना रही हूँ कटलेट्स, क्योंकि मैंने मटर पुलाव बनाया है तो उसके साथ ही अच्छे जाते हैं। इसके मैंने बॉयल्ड पोटैटोज लिए हैं, बॉयल्ड फ्रेड चिकन लिया है, उसमें स्वीट कॉर्नस और बॉयल्ड पीस डाले हैं, और सीजनिंग के लिए सिर्फ मैंने डाला है ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। और इसको मैं सिर्फ अंडा लगा के कोटिंग करके फ्राई कर लूँगी, आप चाहे ब्रेड क्रम्स के साथ कर लें, दोनों तरीके से ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने ये आज के लिए बनाए, कुछ खास फ्रीज नहीं किए, जितने बने सब फ्राई कर दिए। और यहाँ पे मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, हर किसी की रेसिपी डिफरेंट होती है। मैं इसमें लाल मिर्च हल्की सी डालती हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं डालते, तो बस वही टमाटर प्याज का मसाला बनाकर हल्का सा बीच में पीस डाल दिए, मटर डाल दिए, और दो एक कप चावल थे तो मैं 2 कप पानी लूँगी, और फिर उसको हम बॉईल करेंगे, चावल डालेंगे और हमारे मटर वाले चावल जो है वो रेडी हो जाएंगे। और इसी के साथ मैंने फ्रेश सैलड, कचूमर सैलड काट लिया था, सारी सब्जियां काट के उसके ऊपर लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर और उसके साथ जीरे वाला रायता। और डिज़र्ट्स में मैंने बनाया था चाय थी, और साथ हमारे पास मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट था, उनका फ्रेश होममेड बकलावा होते बहुत ही अच्छा, तो मैंने बस वो मंगवा लिया था। और डिज़र्ट्स और सारे के कहते हैं खाना जो है सर्व कर दिया, और सबको बहुत मज़ा आया। आई होप आपको इसमें से कोई रेसिपी अच्छी लगे और आप भी ट्राई करें, मुझे बताइएगा अगर आपको कुछ अच्छा लगे और कुछ जो है वो आप ट्राई करना चाहें। और बाकी हमारे लिए गेस्ट जो आए थे फ्रेंड्स, वो पाकिस्तान से, ऑब्वियसली जब पाकिस्तान से कोई आता है तो वो सलवार कमीज़ वगैरह लेकर आते हैं या कोई इस तरह के गिफ्ट्स, तो वो मेरे लिए एक सूट लेकर आई थी, और मेरी बेटी के लिए 2-3 कपड़े, और हस्बैंड के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनकी अगर मैं वीडियो बना सकी तो मैं एंड में जो है उसको भी ऐड कर दूँगी। और लकीली जी वो जो साइज़ लेकर आए थे मुझे और मेरी बेटी, हम दोनों को ना, वो पूरा आ गया है। और इसी के साथ मेहमानों के आने से पहले मैंने पूरा डाइनिंग टेबल जो है वो सेट कर दिया था, और मैंने बोल्स नहीं रखे थे बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई शोरबे वाला सालन नहीं था, सब ऑलमोस्ट ड्राई कह लें उस तरह का सालन था। तो बस मैंने एक डिनर प्लेट रखी थी और एक जो है सैलड प्लेट रखी थी। तो ये तंदूरी चिकन, कटलेट्स, मटर पुलाव, मैंने साथ हलीम सर्व किया था, वो मैंने कल ही बना लिया था, उसकी रेसिपी पिछले व्लॉग में थी, और साथ ही सैंडविचेस और ये मटन ब्लैक पेपर। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द व्लॉग। तो जी बस ये हमारा नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट था। मेहमानों के लिए मैंने बनाया था पराठा, ऑमलेट, आलू भुजिया, साथ अचार, और यहाँ पे फ्रेंड्स टोस्ट बनाए थे, और स्मोक्ड सामन स्प्रेड और साथ फ्रेश बेरीज वगैरह सर्व की थी कि अगर बच्चे वगैरह ने खाने तो वो खा लें, बट उन्होंने पराठा खाया था। और बस ये आज की वीडियो थी, अब मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।